यार देखिए कितना कलरफुल कलरफुल यार, कितना अच्छा अच्छा है। तो हम बताते हैं यहाँ पे सारा हम लोग के खाने वाला टाइम में, बर्तन हम लोग है, के टाइम में यहाँ पे सारा तावा है, यहाँ सारा वो है क्या कहते हैं बेलना चौका, यहाँ पे देखिए कटिंग टूल तीन है, तीन सिलबट्टा यहाँ पे मेरे सिलबट्टा है, एक ही इसके पास तीन यहाँ पे सिलबट्टा है, ग्लास है, यहाँ पे चौका बेलन कुकिंग, एक दो तीन यहाँ चौका पे कुकिंग बेलन। इंस्ट्रूमेंट है, यहाँ पे चक्की है, और गुड मॉर्निंग फ्रेंड। तो सुबह का टाइम है, बच्चे और हस्बैंड आ चुके हैं खेत में जौ और तीसी लेने के लिए, जो होलिका दहन में जलाया जाता है। हमारे तरफ ये रिचुअल है तो उसको शुभ माना जाता है, तो उसको जलाना जरूरी होता है, तो उसी के लिए आए हैं वहाँ पे जाके लेने के बेटा, लिए। जहाँ कोने में उधर तीसी वही तो पापड़ तो देखो पापड़ जो हम लोग तीन छट्टी में खाते हैं। हेलो पकड़ो से अभी मिल गया, मिशन वन कंप्लीटेड, मिशन कंप्लीट। लेडी वाइज फिर सर एक और है, एक और शायद उधर चमक रही है, यही यही कॉलेज का है। चलो कर ले, उखाड़ पाओगी जाओ कर लो, हम खा रहेंगे वो येलो वाला, जाओ वो नहीं है बेटा, ये वाला वो भी नहीं है, नीचे से पकड़ के बस हो गया। हेलो एवरीवन। तो अभी यहाँ पे तो दही बड़े की तैयारी चल रही है, आज है 17 तारीख, तो कल है होली 18 तारीख को, 18 मार्च को। तो यहाँ पे देखिए तैयारियाँ चल रही हैं, एक एक करके तैयारियाँ इस तरह से होती रहेंगी। बनाएंगे क्या क्या बनाएंगे, अभी तो हमने गुजिया गुलगुला और दही बड़ा की तैयारी की है। चलिए इस तरह से तैयारियाँ क्या क्या मैं कर रही हूँ तो आपको दिखाऊंगी, मेरे हाथ कितने गंदे हो गए। तो यहाँ पे भी चल रही है गुजिया बनाने की तैयारी, मतलब गुजिया का मसाला तैयार किया जा रहा है, जिसमें खोआ है और यहाँ पे सूजी बुना जा रहा है। ये है सूजी जो लाइट ब्राउन हो चुका है, गोल्डन ब्राउन, अब इसमें हम मावा में मिलाएंगे थोड़ा सा सूजी भी। छबी लाइट वाला सही हो गया बेटा, जल गया जल गया जल गया। तो सबसे पहले तो मैं बैठ जाती हूँ। तो हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? तो आज है 17 तारीख, आज है होलिका दहन, तो आप सभी को होलिका दहन की बहुत सारी शुभकामनाएं। और आज घर पे चल रही है तैयारी होली की, गुजिया गुलगुला दही बड़े जो भी बनते हैं। तो फिलहाल तो अभी मेरे लिस्ट में गुजिया गुलगुला दही बड़ा है, और देखते हैं आगे क्या बनेगा, मतलब बाकी चीज़ तो बनेगा होली के दिन। तो अब यहाँ पे तैयारी करके मैंने रखा हुआ है, अब जा रही हूँ बनाने के लिए। मैंने सुबह दिखाया था क्या बोलते हैं, याद नहीं आ रहा है, हाँ दही बड़ा के लिए बैटर मैंने बनाया हुआ था दही बड़ा बनाने के लिए, तो वो तैयार किया था मैंने आपको दिखाया था। उसके बाद मैं अभी आपसे मिल रही हूँ शाम को 5 बजे, 5 नहीं 5:30 बज रहा है, क्योंकि अब मैं गुजिया की तैयारी करके रख चुकी हूँ, थोड़ी सी बाकी है तो उसी को आगे कंटिन्यू करूँगी और गुजिया बनाऊँगी। तो चलिए दिखाते हैं, थोड़ा सा आपको झलक दिखाते हैं कि क्या क्या तैयारियाँ मैंने की है। तो और जो जो करूँगी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और यहाँ पे देखिए कनक है, कनक गई थी बाहर कुछ लेने के लिए, ले बेटा इलायची, तो इलायची मेरी हो गई थी ख़त्म, थोड़ी सी कम पड़ गई थी, तो कनक को भेजे थे बाहर स्टोर से लाने के लिए, क्योंकि फिर रात में आता तो लेट हो जाता, तो मैंने कहा बेटा जाके ला दो, तो कनक कहीं पास में किराने का स्टोर है तो वहाँ से जाके लेकर आई है। चलिए मैं आपको तैयारी दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या तैयारियाँ की हैं। और यहाँ मैंने रास्ते से सारा अपना वो चेयर हटा दिया है, ताकि यहाँ पे चेयर नहीं क्या बोलते हैं सेंटर टेबल हटा दिया, ताकि मैं आराम से काम कर पाऊँ। यहाँ पर कुछ पौधे हैं जो मैंने अभी सुबह उसको लगाया हुआ है, देखिए यहाँ पर तैयारियाँ कुछ कुछ रखी हुई है। यहाँ पर खोया है, यहाँ पर सूजी मैंने भून लिया है, और यहाँ पर मेवा है जो कि मैं पाउडर बना चुकी हूँ, क्योंकि हमारे बच्चों के गले में फंसता है तो उसे मुझे पाउडर बनाना पड़ता है। यहाँ पे मैदा, हाँ बड़ा बड़ा अच्छा नहीं लगता खाने में। लो यहाँ यहाँ पे चिरौंजी है, और यहाँ पे गरी का लच्छा,
ये गरी का लच्छा है, यहाँ पे लच्छा भी है नीचे और गरी भी है, और इसमें भूरा है जो कि खोए में पड़ेगा। चीनी पीस के भी डालते हैं, पर भूरा अच्छा होता है, मिल जाता तो अच्छी बात है, दोनों काम एक ही करता है। तो इस तरह से तैयारी चल रही है, चलिए अभी बनाते हैं गुजिया, फिर दिखाते हैं। तो कौन कौन गुजिया बनाएगा? अच्छा भी वहाँ पे बैठ के म्यूजिक सुन रही है, और एक ये भी है, छवि गुजिया बनाएगी। अरे बेटा क्या कर रही हो? छवि यहाँ पे इंजॉय कर रही है। क्या इंजॉय कर रही है छवि? होली कै दिन खेलोगी? छवि कह रही है कि होली हम दो तीन दिन खेलेंगे। होली कै दिन खेलोगी? क्योंकि अभी सुनने में आ रहा है कि 18 तारीख को होली ना होगी, 19 तारीख को होगा, पर अभी क्या सही है क्या गलत कुछ डिसाइड नहीं है, पता नहीं रीजन क्या है, बट अभी कुछ कंफर्म नहीं है। होलिका तो आज ही दहन होगा, पर होली ऐसा सुनने में आया है कि 19 तारीख को मनाया जाएगा। तो देखते हैं जिस दिन होगा उस दिन होली खेल लेंगे, पर छवि कही तो हम दो दिन होली खेलेंगे, 18 तारीख को भी खेलेंगे, 19 तारीख को भी खेलेंगे। क्या कह रही हो? क्यों नहीं, व्हाई नॉट, व्हाई नॉट, व्हाई नॉट। अब गुजिया उजिया बनाते हैं, और छवि बनाई गुजिया? तो चलिए रखते हैं, अभी गुजिया बनाते हैं। क्यों छवि? यहाँ पे गुजिया का मसाला तैयार है, और यहाँ पे कनक है, और यहाँ पे छवि बैठी हुई है बनाने के लिए, पीछे धनिया रखा हुआ है सूखने के लिए। हाँ तो यहाँ पे देख लीजिए छवि, कनक कैसा मन क्या कर रहा है? गुजिया बन चुका है। देखिए कनक का फर्स्ट गुजिया, हाँ इस अभी इस साल का तो फर्स्ट गुजिया है ना बेटा। और छवि, छवि को देखो, छवि क्या कर रही है? छवि लोई बनाना, मतलब उसको बेलना हुआ। छवि इस तरह से गुजिया भरा जा रहा है और बनाया जा रहा है। थाली में कितने गुजिया बन चुके हैं? 5 गुजिया बन चुके हैं। मशीन से बना रही हो? कटर से बनाया, ये दो कटर से बनाया है। तो देखिए इस तरह से गुजिया बन रहा है, और गुजिया बनेगा, और गुजिया हम लोग खाएंगे। क्या करना, क्या कहती है? खाने के लिए बन रहा है, शोपीस के लिए बन नहीं रहा है। हाँ अगर शोपीस के लिए बनता तो हम उसके लिए ऑब्जेक्शन करते हैं। और हम चलते हैं गुलगुले की तैयारी के लिए। तो गुलगुले की तैयारी के लिए यहाँ पे गुलगुला का बैटर तैयार है, जो कि अच्छे जिसमें वो जो होते हैं खमीर टाइप का आ गया है, काफ़ी सॉफ्ट बने। और यहाँ पे मेरा तेल है जो चढ़ा दिए हैं गैस पे। चलो भाई, मेरी चिमनी भी चल चुकी है, और चलते हैं बनाने के लिए। देखिए बैटर है, यहाँ पे कढ़ाई है, तेल है, यहाँ पे रखा हुआ है घी। तो मैं घी में गुजिया में घी में तलूँगी, और गुलगुला जो है सरसों के तेल में, क्योंकि सरसों के तेल में गुजिया अरे गुलगुला अच्छा बनता है, ऐसा सभी लोग कहते हैं, और मैं भी कहती हूँ, खाने में अच्छा भी लगता है। और मैं बनाने जा रही हूँ गुलगुला, सबसे आसान और इजी काम गुलगुला। तो मैं बारी बारी से दिखाती रहूँगी कि मैं क्या क्या बना रही हूँ। तो हमारा तेल भी हीट होने वाला है, उसके बाद हम छानेंगे गुलगुला। तो आज जितना भी बर्तन था घर में सब निकल चुका, छोटा मोटा दुबला पतला। तो मैं भी कढ़ाई निकाल ली हूँ सिल्वर का, जो कि बहुत कम यूज़ करती हूँ, रेयर यूज़ करती हूँ। तो मैं इसमें गुलगुला छान के रखने वाली हूँ। Thank you.
गर्मी बहुत तेज बढ़ चुकी है और ज्यादा गर्मी है। पसीने से हालत देखो, दिख नहीं रहा होगा पर पसीना है, देखिए हाथ चमक रहा है पसीने से। तो फेस्टिवल में ऐसे ही फेस्टिवल होता है, काम करते हुए किचन में गुजिया बनाते हुए। अब तो हमारा फेस्टिवल ऐसे ही होता है, मतलब ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं कर सकते, पर ये हमारा सारा काम हो जाता है। अच्छा भी लगता है ना करने में, मुझे तो अच्छा लगता है। फेस्टिवल आता है इसीलिए ताकि हम लोग अच्छा अच्छा पकवान बनाएं और अच्छा अच्छा खाएं और खिलाएं। ये घर में गरम गुलगुला, गुलगुला का रसगुल्ला जैसा लग रहा है, काला जामुन। तो गुलगुला हमारा बन के रेडी हो चुका है। ये है तैयार, यहाँ पे भुजिया भी तला जा रहा है। बनते ही सबसे पहले डिमांड आ गया खाने का और मेरा आवाज बहुत भारी लगा, तो थक चुकी। तो सबसे पहले जा रहा है भोग लगने के लिए, ताकि गुजिया बनता रहेगा, क्योंकि भगवान को भोग लगेगा, फिर कनक छवि को भोग लगेगा। तो कनक छवि ले जा रही, खुशी लगा ना बेटा। तो बच्चे हैं भाई, नहीं मान सकते है ना, कब से इंतजार कर रहे थे, तो जब भोग लगा लो फिर अपना भोग लगा देना। कनक ने भोग भगवान जी को इतना जल्दी लगाया ना, कितना जल्दी तक बुलाने को भी सुनती नहीं है। उसको गुजिया खाना था तो जल्दी जल्दी करके आई। गुलगुला गुजिया नहीं खाना, खाना क्यों नहीं है? अच्छा चलो, गुजिया और गुलगुला रेडी हो चुका है। गुजिया भी और बनाना है, देखिए यहाँ पे रखा हुआ है, देखिए यहाँ पे गिरने वाला। तो होली की तैयारी हो चुकी है और होली की तैयारी में कनक छवि गई थी पापा के साथ, लेकर आई हैं जो उनको चाहिए था। तो कुछ इस तरह से हमारी चल रही है होली की तैयारी। क्या लाए बेटा दिखाओ, मैं नहीं गई थी, यही दोनों से दो है क्या? ओ तो ये है डिज्नी प्रिंसेस, ये मेरा है पिंक कलर का, और ये ब्लू कलर है फ्रोजन मेरा। नहीं है क्या पिचकारी? हमको कोई पिचकारी ही नहीं देता। कलर भी है, कितना कलर लाई हो? कलर नहीं है, मतलब वो क्या बोलते हैं अबीर। उसमें चार तरीके का कलर भी है, कलर भी है भाई, खेलेंगे कलर भी खेलेंगे, थोड़ा सा तो खेलेंगे। पानी में मिलाने के जो कलर होता है हम ही लोग नहाएंगे, खुद ही कलर खरीद के लेकर आए हैं, खुद ही नहाएंगे। और यहाँ पे बहुत सारा कलर है, येलो है, कौन सा कौन कलर है, सबसे अच्छा येलो लग रहा है, सारा कलर है। कल हमारे टेरेस पे होली का प्रोग्राम रखा गया है, जिसपे आप सभी को इनवाइट कर रहे हैं, तो आप सभी भी आइए और हमारी खुशियों में, हम सबकी खुशियों में, होली तो सबके लिए हो ना, एक और ये है बैलून, तो हमारी खुशियों में शामिल होइएगा। ये देखिए ये है बैलून जो पानी जो पाइप लगा होता है, देखो गन की तरह, और ये कुछ कलर हैं, डिफरेंट डिफरेंट कलर हैं बहुत सारे। तो मैं आ गई हूँ कमरे में थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए, पर कमरे में आके देखा तो इतना अच्छा नज़ारा था, तो मैंने सोचा चलो आपको दिखाते हैं वो नज़ारा। तो देखिए यहाँ पे छवि है, एप्रन पहन रही है और एप्रन इसका फ्रॉक ही है। एप्रन कौन बनाया था? ये छवि का ओल्ड फ्रॉक था, तो हमने इसको फेंका नहीं क्योंकि बहुत अच्छा लग रहा था, तो ये हम एप्रन बना दिए थे ताकि छवि जब ड्राइंग व्राइंग करती है तो छवि अपना क्या करे, पेंटिंग करे, ताकि कपड़ा इसका खराब ना हो। तो अभी मैं दिखाने वाली हूँ ये लोग क्या कर रही हैं,
क्योंकि कमरे में आए तो बड़ा अच्छा से लोग डेकोरेशन करके रखे हुए थे। तो चलिए दिखाते हैं आपको कि छवि कनक क्या कर रही हैं, आपको भी अच्छा लगेगा, है ना कनक छवि? चलो दिखते दिखाते हैं आपको। देखिए यहाँ पे बैठी है छवि, और छवि ली है शैंपेन का बोतल। नहीं तो है तो बोतल शैंपेन का ही ना। देखिए ये वाटरमेलन जूस, और यहाँ पे हम किसको सर्व किया जाएगा? यहाँ पे देखो पूरे रूम में लोग क्या करके रखे। देखो ये मट्टी का चूल्हा जो हम लोग दिवाली में खरीद के रखते हैं, ये चूल्हा आता है इसके, तो ये चूल्हा छवि का बड़े दूर से आता है भाई, बड़े दूर से आता है, डिमांड पे आता है, नानी के यहाँ से आता है, क्यों छवि? यहाँ पे मिल नहीं पाता, मिलता भी तो पता नहीं कहाँ मिलता है, तो इसका नानी के यहाँ से आता है चूल्हा। वो हरा वाला चूल्हा कितना साल हो गया जी? आई थिंक 4 साल हुआ है, 6 साल हो गया है, 6 साल हो गया है, ये भी पिछले साल आया है। और यहाँ पे देखिए कितना अच्छे से सजा वजा के रखे। तो चलिए सब कनक ही दिखाएगी अपने रूम को, चलो दिखाओ बेटा। और ये देखिए, ये सुबह गई थी मैं घूमने के लिए, तो वहीं पे एक फ्लावर था जो कि अच्छा लग रहा था, तो मैं लेकर आई हूँ, बोतल में लगा दी, उस तरह से अच्छा लग रहा है। छवि का कुछ, छवि का कुछ कलाकारी देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे। तो छवि चाइना बनी है, चाइनीज कुछ नहीं। तो छवि का यहाँ पे देखिए चल रहा है, Here is one of the customer. कितना कलरफुल कलरफुल यार, कितना अच्छा अच्छा है। तो हम बताते हैं यहाँ पे सारा, हम लोग का टाइम है, यहाँ पे सारा तावा है, यहाँ सारा वो है क्या कहते हैं बेलनाचों का, यहाँ पे कटिंग टूल है, यहाँ पे सिलबट्टा है, यहाँ पे ग्लास है, यहाँ चौका बेलन 1 2 3, यहाँ पे कुकिंग इंस्ट्रूमेंट है, यहाँ पे चक्की है, और यहाँ पे एक स्टैंड इसमें वो सब रखा है, काटा चम्मच और एक्स्ट्रा यूटेंसिल, और यहाँ हाँ। सारा कप सेट किया हम लोग का, ब्लू वाला कप सेट, देखिए येलो कप सेट, व्हाइट। तो वहाँ पे देखिए गेस्ट लोग आ चुके हैं नाश्ता पानी करने के लिए, इनका खुल चुका है, वो रेस्टोरेंट खुल चुका है, तो देखिए सब आ रहे हैं। हाँ, अभी पहले और इंट्रोड्यूस करा दें, यहाँ पे सारा गैस है, और यहाँ फ्रूट बास्केट, जूस बॉक्स। इसमें मेरा भोंदू है जो कि हमारे साथ 10 साल 8-9 साल से रह रहा है। भोंदू है इसका नाम, भोंदू। इसका मोजा खो गया 6 महीने साल पर, इसका मोजा खो गया, पूरा खराब हो गया था, उसको भोंदू का है इनका, भोंदू। चलिए हमको सारे कस्टमर का नाम बता देते हैं, इसका नाम है श्रीफोन, इसका नाम है मैराबेल, इसका नाम है एंजल, और ये रहा भोंदू, भोंदू का इनका। और ये है हम लोग का मिकी माउस, ये भी वेटिंग लिस्ट, जब ये टेबल खाली होगा तभी आएंगे, हमारे रस्ते में टेबल अवेलेबल नहीं है, हमारे रस्ते बहुत छोटा मोटा है। देखिए भाई मास्टर शेफ को तैयार किया जा रहा है, क्योंकि अच्छे से एप्रन बांध नहीं पाई थी, तो कनक उसका एप्रन अच्छे से सेट कर रही है। मैं हूं शेफ छवि। तो ये है शेफ छवि। तो इस तरह से, अगर इस तरह से आपके बच्चे का भी अगर फ्राक व्राक हो तो इस तरह से उसका एप्रन बना सकते हैं। तो ये छवि का फ्रॉक था, तो मैंने इसका एप्रन बना, दिखाओ बेटा एप्रन कितना क्यूट सा एप्रन है, सिल्क है पीछे। हाँ, इसको सीधे क्या किए हैं, पूरा सीधे सीधे वैसे ही है, बस यहाँ गले से थोड़ा सा ये काट के बस दोनों पार्ट लेके सिल दिए, छवि का एप्रन तैयार हो गया। और इस तरह से एप्रन जो होता है मार्केट में या ऑनलाइन बहुत ज्यादा महंगा मिलता है, तो आप भी इस तरह से एप्रन बना सकते हैं। तो ये कपड़े पे जो इसका नंबर बना है उस नंबर से गेम खेला जा रहा है। तो चलिए यहाँ पे सब बच्चे बैठे हुए हैं रेस्टोरेंट में चाय पीने के लिए, और चलो भाई देखिए अब शेफ लोग आ चुके हैं कस्टमर लोग से पूछने के लिए कि नाश्ते में क्या चाहिए। तो यहाँ पे देखिए नोट किया जा रहा है, मेनू लिखा जा रहा है खाने पीने का, और मुझे चाहिए ब्रिंजल सूप। बेटा बेटा हम लोगों को भी कोई सूप मिलेगा क्या? अरे इसको आप और मुझे चाहिए बॉयल स्वीट कॉर्न। ओ हमको भी चाहिए, कचालू चाहिए हमको, हमको कचालू चाहिए, कुछ खाने को मन कर रहा है, चटपटा चटपटा खाने की इच्छा हो रही है, तो अभी गुजिया खा लिए तो मुंह मीठा हो गया, तो कुछ चटपटा से खाने की इच्छा जाग रही है। देखिए भाई क्या क्या लिखा है ऑर्डर में, तो देखिए भाई ऑर्डर में क्या है, बनाना पाई 3, मिनियन जूस और
ब्रिंजल सूप और बॉइल स्वीट कॉर्न। ओके तो भाई यहाँ पे ऑर्डर आ चुका है, अब यहाँ पे सेफ जो है तैयारी कर रहे हैं खाना बनाने की। देखो कितना सुंदर बुक है, हम बनाए। चलो इनका डायरी है जो मेनू लिखा जाता है कस्टमर का कि क्या खाएंगे क्या नहीं खाएंगे। और यहाँ पे सेफ हैं जो कि खाना बनाने, यहाँ पे स्वीट कॉर्न बनाया जा रहा है। देखो दिखाओ भाई स्वीट कॉर्न, वाह कट गया स्वीट कॉर्न, गुड गुड। चलो यहाँ पे गैस पे हो रहा है। तो भाई कौन कौन बचपन में इस तरह से खेलता था कमेंट करके बताएगा। अब वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो हमें यहाँ बार बार डिस्टर्ब किया जा रहा है, थोड़ी देर बाद मिलते हैं।